स्वच्छता के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुरैना जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपना घर, गली, मोहल्ला तथा गांव को स्वच्छ रखेंगे तभी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिले के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल मेतावली पर स्वच्छ भारत मिशन द्वारा पर्यटन एजेंसी के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को सफाई का संदेश दिया गया, वहीं स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पुरातन संस्कृति से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले लोकगीतों का गायन करने वाली महिलाओं के दल द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा महिलाओं के लोक गायन दल तथा आत्मरक्षा का प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वच्छता का जो पखवाड़ा चल रहा है 2 अक्टूबर तक ही चलेगा, 25 सितंबर से, उसी के तारतम में आज ये यहाँ स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था। साथ ही जो रागिनी फाउंडेशन द्वारा बच्चियों को आत्मरक्षा के जिस तरीके से गुण सिखाए गए हैं उसका प्रदर्शन किया गया। इसके साथ में 2 होम स्टे भी बनाए गए हैं, उसका भी जो है निरीक्षण है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। मैंने होम स्टे बनाया है, उसमें लागत 2.5 लाख रुपये लगी है और मैं चाह रहा हूँ लोग वहाँ घूमने वाले विदेशी लोग आएँ मेहमान, उनके लिए यहाँ रुकें, उनको हम व्यवस्था करेंगे, भोजन भी बोलेंगे वो बनाएंगे और उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, कुछ हमको पैसे भी मिलेंगे उससे हम अपना घर पोषण के लिए। और ये बनवाया है हमारे बच्चों ने 2.5 लाख रुपया खर्च किया है। अब जो है सब लोग आ रहे हैं तो हम जो कोई बनेगा खिलाएंगे उनको, जो पसंद है उनको सो खिलाएंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे सारी। आएंगे हमको भी अच्छा लगेगा, आएंगे जाएंगे लोग हमको भी अच्छा लगेगा। और रागिनी फाउंडेशन एक एम्पैनल्ड एजेंसी है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ, उनके साथ मिलके हम उनकी 3 परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। इसमें एक है रूरल ग्रामीण पर्यटन पे, दूसरा है महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल और तीसरा जो हम करेंगे वो शुरू होने वाला है सांची के पास, वो है डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोविनियर्स, मतलब अच्छे सोविनियर्स का निर्माण करना जो इको फ्रेंडली भी हो।